यू हैव टू रिकॉर्ड। सो यस, सो गाइज, एज आई वॉज सेइंग कि अपार्ट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, अभी करेंटली एक और चीज है जो साइड बाय साइड चल रही है, एंड दैट इज द एंट्रेंस एग्जाम्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स आर कमिंग आउट। अभी आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को प्रिपेयर करा रहे हैं बेसिकली फॉर स्पेशली फॉर नीट का एग्जाम, लेकिन नीट अकेला वो एग्जाम नहीं है जो आप हमारी प्रिपरेशन के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, हम आपको जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पूरी की पूरी प्रैक्टिस से आप सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते, आप एक एंट्रेंस एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। सबका पैटर्न लगभग लगभग सेम ही रहेगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन एग्जाम थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि वो नीट के अलावा, मतलब प्रोफेशनल एमबीबीएस और बीडीएस रिलेवेंट कोर्सेज के अलावा और भी कोर्सेज के लिए करियर ऑप्शंस ऑफर करता है। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई ये एंट्रेंस एग्जाम्स में क्यों फिल करूं या फिर इसके बारे में सोचने की जरूरत क्यों है, तो मैं इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज आप लोगों के साथ आया हूँ। एंड यस, मैं अपना इंट्रोडक्शन तो देना भूल ही गया, दिव्या मैम को तो आप जानते ही हो, आई थिंक आप मुझसे भी पहले मिले हो, कितने बच्चे मिले हैं हैंड रेज करना, मतलब वर्चुअली, फिजिकली भी शायद मैं कुछ बच्चों से मिला हूँ क्लास स्कूल में आके, लेकिन वर्चुअली तो आई गेस मैं लगभग हर बच्चे से एक बार पहले मिल चुका हूँ। यस, तीन बच्चों ने आप ट्राई किया है, ठीक है, ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ तो यस, तो काफी बच्चों को याद आ रहा है कि मैं उनसे मिला हूँ इससे पहले। ऑल राइट, ऑल राइट, मतलब मैं कोई पुराना फेस नहीं हूँ। बच्चे सो भी रहे हैं, उनको भी काउंट कर सकते हैं हम। अच्छा, कुछ बच्चे सो रहे हैं ना, हाँ उनको भी, यस, ठीक है। तो बच्चों, हाँ, तो बेसिकली मेरा नाम राहुल चौहान है एंड मैं लास्ट 5 इयर्स से अवंती में हूँ। आप लोगों के जो टेस्ट पेपर्स आते हैं वो बनाने में मैं और मेरी टीम इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ, बायो के लिए हम लोग क्वेश्चन पेपर्स में आपके क्वेश्चन ऐड करते हैं। So, मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में क्वेश्चंस एडिशन और उनको रिव्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ। यस, सो हाँ, तो ये तो हुआ छोटा सा इंट्रो। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट इज कि एंट्रेंस एग्जाम्स, बच्चों अभी इसी महीने में नीट के अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आउट हुए हैं एंड कहीं ना कहीं हमने उनके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रुप्स पे डाली भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आ रहा है कि शायद आप लोगों को उन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए बहुत कम बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एनरोलमेंट किया है। खास इवन नीट के लिए भी जितने बच्चों को फिल कर देना चाहिए था उतने बच्चों ने फिल नहीं किया है, तो इसी के बारे में आज मैं थोड़ी बात करने आया हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेज में आप आज लोग हो उसी स्टेज में आपसे एग्जैक्टली 10 साल पहले मैं था, मतलब 10 years back I was in class 12th and मैं सोच रहा था कि भाई अब 12th के बाद मुझे क्या करना है। बोर्ड एग्जाम सर पे थे, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे मैं भी कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से पता थी कि 1 महीने 15 दिन या फिर 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे एंड देन माई पेरेंट्स विल बी आस्किंग कि बेटा बोर्ड एग्जाम तो खत्म हो गए, अगले 1 महीने में शायद रिजल्ट भी आउट हो जाएगा, अब आगे का क्या सोचा है। और वो चीज मेरे दिमाग में काफी पहले से आने लग गई थी। मैंने अपने टीचर से भी पूछने की कोशिश की कि भाई मेरे लिए कौन से करियर अल्टरनेटिव्स हैं, एंड टीचर्स ने बोला कि भाई आप 12th अच्छे से दे दो, आपका सब हो जाएगा, यू जस्ट गिव द बोर्ड एग्जाम, अच्छे नंबर ले आओ, आपका कहीं भी एडमिशन हो जाएगा, ऐसे बोल के छोड़ दिया। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि भाई सिर्फ ऐसे बोलने से कैसे होगा, मेरे पास कोई ना कोई तो रोड मैप होना चाहिए ना। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन विद यू, मैं स्क्रीन शेयर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, ये है राहुल, अभी मैं सर नहीं लिखूंगा, मैं 10 साल पुराने राहुल की बात कर रहा हूँ, दैट टाइम आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू। तो उस टाइम मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, 1 महीने पहले मैं बैठा हुआ हूँ, हमारे टाइम मार्च में हो गए थे एग्जाम स्टार्ट, तो मैं फेब्रवरी के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की, लेकिन उसी टाइम मेरे दिमाग में आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम के अलावा मुझे और क्या क्या करना है। तो ऐसे में मैं एक छोटा सा रोड मैप बनाता हूँ
कि भाई मार्च में मैंने बोर्ड एग्जाम देना शुरू किया, ठीक है, बोर्ड एग्जाम स्टार्टेड, उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, मैंने मेरा अप्रैल मिड में अप्रैल 15th पकड़ लो, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, और अब इसके बाद क्या करूं, इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मुझे पता था कि इसके बाद का रूट मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसे में मेरे को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। ऐसे बच्चे फॉर्चुनेट होते हैं जिनको लाइफ में सब कुछ क्लियर होता है, जिनको पता होता है कि भाई मुझे तो लाइफ में ये ही करना है, और अगर मेरे को ये करने को नहीं मिला तो फिर मैंने घर पे ही बैठना है, लेकिन करना मैंने ये ही है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन अच्छी बात है अगर ऐसे बच्चे होते हैं। अगर आप उनमें से एक हो जिसने ठान रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सिर्फ एक ही करियर ऑल्टरनेटिव दिमाग में है, लेट अस से कि आपने डॉक्टर ही बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, और आप अपनी पूरी एनर्जी लगा के उसके लिए प्रिपेयर भी करे हो फॉर द लास्ट 6 months और 5 months और सो, तो अगर ये बात सच है और आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, देन तो इट्स फाइन कि आपने अपने लिए ये रोड मैप कंप्लीट कर लिया, आपने लिख लिया कि भैया नीट एग्जाम देना है और वही क्रैक करना है और एक डॉक्टर बन, ठीक है, नीट एग्जाम मैंने दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम पे अभी 22 चल रहा है ना, हाँ, तो 2012 मान लो मैंने नीट का एग्जाम दे दिया, और अब इस नीट का एग्जाम को अगर मैंने क्रैक कर लिया तो 5 साल बाद 2017 में मैं डॉक्टर बन, ठीक है, तो मेरे लिए रोड मैप क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली नीट ही मेरे लिए है, क्या डॉक्टर बनना ही मेरा एंड गोल है, अगर मेरे को इस चीज पर थोड़ा डाउट है कि नहीं यार मैं तो ज्यादा डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में जानता नहीं, उसमें कितना हार्डवर्क लगता है वो मैं जानता नहीं, और 100% डॉक्टर ही बनना उसकी गारंटी भी मैंने खुद को नहीं दे रखी थी, आई वॉज ओपन टू अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो, तो ऐसी सिचुएशन में खाली ये प्लान बनाना मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है बच्चों। तो ऐसे में मेरे लिए क्या जरूरी था, मेरे लिए जरूरी था कम से कम 2-3 पाथवेज होना, ताकि मेरे को आगे का रास्ता ब्लैंक ना नजर आए। बट जब मैं आपकी सिचुएशन में था, क्लास 12th में था, तो मेरे लिए ना ये 15 अप्रैल के बाद का रास्ता बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं रैंडमली कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का नाम लिखते रहा था। देन आई स्टार्टेड आस्किंग माय मॉम, बिकॉज मेरे को स्कूल से तो ज्यादा हेल्प मिली नहीं अपने टाइम पे, एंड मेरी मॉम भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, मतलब उनका बेसिक कॉलेज हुआ था लेकिन उनको साइंस स्ट्रीम के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई जब मैं 10th से 11th में गया था तब मुझे पता नहीं था कि मेरे को मेडिकल करना है कि इंजीनियरिंग करना है, उस टाइम भी मैं कंफ्यूज ही था, तो मैंने मम्मी उस टाइम पीसीएमबी ले ली थी, ठीक है, पीसीएमबी इसलिए ले ली थी कि क्या पता 12th तक आते आते मुझे पता चल जाए कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है। बट 12th तक आते आते भी मम्मी अब बोर्ड एग्जाम है अगले महीने से, मुझे अभी भी नहीं पता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है कि मुझे नीट करना है। So, ऐसे में माय मॉम गिव मी एन एडवाइस कि अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, देन देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू फिगर आउट योर रूट्स इन लाइफ। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ रेलेवेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में अप्लाई कर देना है। 12th के बाद जितने एंट्रेंस एग्जाम इंडिया के टॉप कॉलेजेस में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, वो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स तुम भर दो। अब उस टाइम पर कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम अवेलेबल थे, एक JEE का अवेलेबल था, एक नीट का अवेलेबल था, और हाँ कोई कुछ कह रहे हैं, ठीक है, एक AIPMT नाम से अवेलेबल था। AIPMT बेसिकली होता है बच्चों, मतलब पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, एम्स में अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो पुराने टाइम पे AIPMT नाम का एग्जाम होता था, अभी तो हटा दिया, अभी सब नीट से ही होता है, ठीक है। और एक होता था AIEEE। AIEEE बेसिकली IITs को छोड़कर कुछ और इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कवर करता था। तो ये कुछ 4 एंट्रेंस एग्जाम्स थे, और एक बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन होता था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे मम्मी ने मुझे बोला मैंने बस एग्जैक्टली वैसे कर लिया,
मैंने क्या किया, मैंने ये सारे के सारे कोर्सेज अपने लिए लिस्ट डाउन कर लिए, कोर्स वन, कोर्स टू, कोर्स थ्री, कोर्स फोर, जिन जिन के एंट्रेंस एग्जाम्स अवेलेबल थे उनके एंट्रेंस एग्जाम्स दे दिए, अपियर कर लिए। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 रोड मैप्स अपने लिए बना के छोड़ दिए कि 12th का एग्जाम देने के तुरंत बाद में को इन 5 अल्टरनेटिव्स पे अपने आप को लॉन्च कर देना है, और फिर जून से में भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी, देन आई विल डिसाइड अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने जब अपने लिए ये 5 4 अल्टरनेटिव्स देखे, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को पता चला कि मैंने नीट का जो एग्जाम दिया था उसमें AIPMT मेरा हुआ ही नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने AIPMT दिया, पेपर देते ही पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, पेपर काफी टफ था, एटलीस्ट मेरे लिए तो काफी टफ था, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। बट जब मैंने नीट का एग्जाम दिया तो उसमें मेरा एक रैंक आया और उस रैंक से मुझे BDS मिल रहा, डेंटल सर्जरी, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। सो बेसिकली BDS इज समथिंग जहां पे आपको ओरल कैविटी लोगों की रिपेयर करनी होती है, क्लीन करनी होती है, एंड इंडिया में काफी लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, ये तो मुझे पता ही था। तो ओरल कैविटी सबसे ज्यादा जो डैमेज होती है वो टोबैको कंज्यूमर्स की होती है, तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि चाहे कुछ भी बन जाऊंगा मैं डेंटिस्ट तो नहीं बनूंगा, बिकॉज किसी की ओरल कैविटी मैं नहीं साफ करने वाला टू रिमूव टोबैको एंड ऑल दोस डर्टी थिंग्स फ्रॉम देयर माउथ। एक चीज मेरे लिए क्लियर थी कि भाई BDS मिल भी रहा है तो मैंने नहीं लेना, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी BDS में नहीं थी। यस, AIEEE में रैंक आया लेकिन बहुत नीचे का, चेन्नई का कोई कॉलेज मिल रहा था एंड मैं चेन्नई जाना नहीं चाहता था, ये अल्टरनेटिव भी रिजेक्टेड। यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर्स प्रोग्राम के लिए केमिस्ट्री में मुझे ऑप्शंस मिल रहे थे, और JEE में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो घूम फिर के मेरे पास बच गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, और दूसरा मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचा, मेरे पास बचा नीट से BDS करने का। मतलब ये हुआ बच्चों कि 12th के बाद मैंने जितने ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स दिए उतने ज्यादा मेरे पास चॉइसेस थे। मेरे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर हुए, कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुए। जो क्लियर नहीं हुए उनके बारे में मैंने नहीं सोचा, लेकिन जो मेरे क्लियर हो गए उनमें मैं फिर आराम से बैठ के डिसाइड कर पाया और अपने करियर को एक शेप दे पाया। तो मैंने फिर फाइनली क्या किया, मैंने बैचलर्स किया केमिस्ट्री में, और यहां से बैचलर्स करने के बाद मेरे को केमिस्ट्री में और इंटरेस्ट आया, तो मैंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, और इसी टाइम पर मैंने DRDO के साथ भी काम किया। आई गेस आपने DRDO के बारे में सुना भी है। यस, बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए वेपन / मेडिसिन / और जितने भी आपको आर्मी की रिक्वायरमेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाने में DRDO ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। तो मैंने यहाँ पे फिर 1.5 years एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम किया, जहाँ पे मैंने एंटी कैंसर मेडिसिन बनाए, मतलब कैंसर की रोकथाम के लिए मेडिसिन या फिर ड्रग डिजाइन किए। तो मेरे को मेरी लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। वाई? बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में 12th से निकलने के बाद कुछ रोड मैप्स बना लिए थे। अगर मैंने ये रोड मैप ना बनाए होते, अगर मैंने खाली नीट का ही एग्जाम दिया होता, ओनली नीट का एग्जाम दे दिया बस, और नीट में मेरे को खाली BDS मिला और BDS मुझे चाहिए नहीं था, तो क्या मेरी रोड आगे ब्लॉक हो जाती कि नहीं हो जाती? यस और नो, आप मेरे को चैट पे बता सकते। मैंने खाली एक ही एग्जाम दिया और उसमें मेरे को BDS मिला और BDS मुझे करना नहीं था, तो क्या मेरी रोड आगे ब्लॉक हो जाती कि नहीं हो जाती? ब्लॉक हो जाती। JEE क्रैक हो नहीं पाया था, ये रोड वैसे ही ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये वाला एक जो मेरी क्या बोलते हैं परसेंटेज क्राइटेरिया था वो मीट हुआ और मैं बैचलर्स प्रोग्राम के थ्रू बैचलर्स कर पाया। उसी बैचलर्स ने मुझे आगे मास्टर्स कराई और उसी मास्टर्स की वजह से मैं काफी बड़ी पर्सनालिटी से मिल पाया और इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ काम कर पाया। लेकिन मेरी लाइफ का वो ट्रैक आगे सेट ही नहीं हो पाता अगर मैं अपनी लाइफ में 12th के बाद करियर अल्टरनेटिव्स ना रखता। मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 12th के बाद बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम के बाद किसी एक एग्जाम के पास बैठकर मत रह जाओ। अगर आप ऐसे रह जाओगे तो देर आर मोर देन 50% चांसेस कि आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको स्ट्रेस होगा कि यार जिस टाइम एंट्रेंस एग्जाम्स आउट हुए थे
काश उस टाइम भर्ती होते तो मैं काफी सारी चॉइसेस कर पाता, मेरा एक साल वेस्ट नहीं होता। अब मेरे टाइम पे बच्चों एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं थे, यस मेरे टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा नहीं थे, कमी एंट्रेंस एग्जाम थे, लेकिन आपके टाइम पे ऑल ऑफ दी एग्जाम्स आर एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे। यस आपके टाइम पे अगर आपको कोई बैचलर्स प्रोग्राम करना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे हम CUCET बोलते हैं। यस अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी भी दूंगा आपको। यस अगर आपको नर्सिंग भी करना है तो उसके लिए भी स्पेशल कॉलेजेस स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, उसको खाली CET बोलते हैं। यस जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, वो अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा रही है। इस बार 12th बोर्ड एग्जाम के स्कोर के आधार पे बहुत बहुत कम कॉलेजेस ही हैं जो बच्चों को एडमिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर 12th। तो मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप खाली एक एंट्रेंस एग्जाम फिल करके मत बैठो, ट्राई टू फिल as many as interesting exams as possible, interested exams as possible से मेरा क्या मतलब है? अगर 12th के बाद 25 exams available हैं, तो आपको 25 के 25 नहीं भरने हैं। आपको जो भी entrance exam out हो रहा है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। दिव्या मैम इज ऑलरेडी देयर टू हेल्प यू गाइज। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं समझ आती है, आप मैम को कॉल करके पूछ सकते हो कि मैम आपने इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन डाली है लेकिन मेरे को इसका कुछ ज्यादा समझ नहीं, आप मेरे को थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो। मैम विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि हाँ आप उस फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो आप मैम को बताओ एंड मैम विल हेल्प यू इन फिलिंग द एग्जाम। आप खुद से भी फिल कर सकते हो लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है देन वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। लेकिन आप अपने पास एक ऑल्टरनेटिव मत रखो, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अच्छा ये बात मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अप्रैल ऐसा महीना है, मार्च फर्स्ट वीक से एंट्रेंस एग्जाम्स निकलने चालू हो जाते हैं और अप्रैल एंड तक बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स निकलने लगते हैं। अभी काफी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं एंड कई एंट्रेंस एग्जाम्स की जो लास्ट डेट होगी ना वो होगी मई का फर्स्ट वीक या फिर 15 मई या फिर 10 मई या फिर 30 अप्रैल, तो ऐसी डेट्स होंगी। अब मेरी टेंशन कहाँ है, मेरी टेंशन ये है कि अगर आप खाली अभी बोर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हो और इन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में पता ही नहीं लगाते हो, इनको फिल ही नहीं करते हो, तो बोर्ड एग्जाम देने के बाद कोई फायदा नहीं रह जाएगा क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी होगी। तो ऐसे में थोड़ा जरूरी है कि आप कम से कम एक दिन का आधा घंटा या 45 मिनट्स निकाल के एटलीस्ट ये फॉर्म्स फिल कर दो। फॉर्म फिल करने से आपको फायदा ये है कि आपने ये जो 12th क्लास में नीट के लिए कंटेंट पढ़ा है, जो अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए, सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम में वही पूछा जाने वाला है। चाहे आप बैचलर्स के लिए CUCET में अप्लाई करो, सिलेबस यही रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल MCQ ही रहेगा। चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दो, सबके लिए सिलेबस और सबके लिए क्वेश्चंस का पैटर्न सेम ही रहेगा। मतलब आपको जो कंटेंट पढ़ाया है उससे आप ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो, लेकिन आप ये एंट्रेंस एग्जाम तभी दे पाओगे जब आप अपना होता है ना रजिस्ट्रेशन इसमें करा लो। रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो फिर ये सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों आप मिस कर दोगे एंड 12th के बाद फिर एक ही एग्जाम दिया तो लाइफ बहुत रिस्क में हो जाती है कि भाई कहीं ड्रॉप ना करना पड़े। हमारे टाइम पे पुराने टाइम पे क्या था कि 12th की परसेंटेज के बेसिस पे कॉलेज एडमिशन करा लेते थे, लेकिन कोविड के चलने की वजह से क्या हुआ है कि 12th के स्कोर्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया नहीं जा रहा क्योंकि सिलेबस आधे से ज्यादा काट दिया गया था। फिर जो सिलेबस रह गया, आप लोगों को भी पता है मुझे भी पता है, हर चैप्टर में से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो यूनिवर्सिटीज बच्चों का एडमिशन करने के लिए 12th के परसेंटेजेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और ये सब कोविड के टाइम पे हुआ है। ऐसे में एंट्रेंस एग्जाम देना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूँ तो मेरे को एंट्रेंस एग्जाम देना ही अब मेरे लिए लास्ट रिजॉर्ट है। मान लो अगर मैं ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देता हूँ तो फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की मेरी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मेरे एडमिशन की
का जो स्कोप है वो खत्म हो गया, तो अब मेरे पास कौन सा रास्ता बचता है? अब मेरे पास रास्ता बचता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में रिकमेंड करता नहीं, मैं क्यों नहीं रिकमेंड करता हूँ प्राइवेट कॉलेज किसी भी बच्चे को, क्योंकि उसका पहला रीजन है कि प्राइवेट कॉलेजेस का प्लेसमेंट रेशियो बहुत लो होता है, प्लेसमेंट इज वेरी लो, बहुत ही कम। ठीक है, मतलब बच्चों को प्लेसमेंट हो भी गई ना तो 10,000 महीना 8,000 महीना की सैलरी मिलती है, एंड आपको पता है कि दिल्ली में 8,000 में कुछ नहीं होने वाला। यू कैन स्पीक टू योर पेरेंट्स, यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, वो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे देंगे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्लेसमेंट रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, हाई होता है। दूसरी तरफ अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो इनका फी स्ट्रक्चर बहुत होता है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आपने एक नर्सिंग जैसा रेप्यूटेड कोर्स लिया है तो आपको रफली 3 साल का एक बैचलर्स प्रोग्राम होगा, तो उसके लिए 1 लाख एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा, विच इज विच सम्स अप टू 3 लाख फॉर एंटायर कोर्स। वही एक गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस होता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज का फीस रफली, मैं बहुत ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी रफली 20,000 जाएगा 1 साल का, तो 6 साल का मैक्स टू मैक्स 60,000 जाएगा। गर्ल चाइल्ड एंड एससी एंड एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को फीस पर काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है, अराउंड 30-40% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो मैंने 60,000 3 साल का बोला है, इसमें से भी 30-40% माइनस हो जाता है। यस, एंड द लास्ट थिंग इज फैकल्टी। यस, तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत अच्छी फैकल्टी आपको नहीं मिलती है, तो इसका मतलब आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो, आप पैसे भी दे रहे हो, लेकिन आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं वो प्रॉपरली सिलेक्ट होकर आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे भी चुनकर लिए जाते हैं, जैसा मैंने कहा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, अच्छे बच्चों को बुला रहे हो तो अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाई दे हैव हाई क्वालिटी टीचर्स। मेरी बात आ गई बच्चों समझ आ सबको? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, चैट पे भी लिख सकते हो, मैं चैट पे आंसर कर दूंगा। श्योर, ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, अब ये तो हुआ गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का आपकी एज में, आपके टाइम में सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव अवेलेबल है बच्चों, और वो है एंट्रेंस एग्जाम। पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि 12th के परसेंटेज के बेसिस पे कुछ कॉलेजेस उठा लेते थे, लेकिन मैंने आपको जैसे समझाया, आपके टाइम में कंसिडरिंग कोविड एरा, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज इज गिविंग मोर एंड मोर एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स जो है इनमें से, उनका तो लेवल उतना स्ट्रांग होता भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन सारे एंट्रेंस एग्जाम का लेवल नीट वाला लेवल ही होता है, नहीं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस नीट से कम ही रहेंगे। मतलब जितना टफ नीट का पेपर होता है उससे काफी ईजी रहते हैं बाकी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर, लेकिन होते वो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स ही। कई एंट्रेंस एग्जाम में तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग तक नहीं होती है, लेकिन आपको पेपर में बैठना पड़ेगा। अगर आपने खुद को रजिस्टर ही नहीं किया उनके एग्जाम के लिए, देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप उस कॉलेज में एंट्री ले पाओ उस पर्टिकुलर साल में। तो इसीलिए बच्चों एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नीट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? तो बेटा मैक्सिमम मार्क्स ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। वैसे अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है मान लो, तो उसको रफली चाहिए होते हैं 580 प्लस, 580 590 प्लस चाहिए होते हैं एमबीबीएस के लिए। लेकिन अगर बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो वो चला जाता है अप टू 500 प्लस। इसी तरीके से एससी एसटी कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो उसको 500 प्लस, 480 टू 500 प्लस लाना चाहिए टू गेट इन टू MBBS, एंड एटलीस्ट 450 प्लस लाना चाहिए, 420 टू 450 के बीच में लाना चाहिए टू गेट इन टू अ गुड BDS कॉलेज। यस, ठीक है, अनु पूछ रहे हैं सर विदाउट नीट मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं?
जा सकते हो बेटा, यस ऐसे भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जरूरी नहीं है कि एमबीबीएस करके ही मेडिकल फील्ड में उतरा जा सकता है। एमबीबीएस के अलावा, बीडीएस के अलावा देर आर अदर फील्ड्स ऑल्सो, जैसे कि आपको पता ही है बीएएमएस भी एक फील्ड होती है, यस ये आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंसेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज की डेट में जो गवर्नमेंट का लेटेस्ट गाइडलाइन आया है वो ये है कि बीएएमएस से पास आउट हुए डॉक्टर्स कैन परफॉर्म सर्जरी ऑल्सो। तो ये एक ऐसा एडवांटेज है जो बीएएमएस के डॉक्टर्स को प्रोफेशनल डॉक्टर्स बनने का एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। होम्योपैथी इज ऑल्सो देयर, यूनानी इज ऑल्सो देयर, डेंटल सर्जरी इज ऑल्सो देयर। सो इनकी इनमें नीट के थ्रू सिलेक्शन होता है, लेकिन कट ऑफ रिलेटिवली लो रहती है। यस अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बताया फिजियोथेरेपी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी होती है, दैट इज ऑल्सो अ फील्ड जिससे आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, फर्क इतना पड़ता है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम्स रेलेवेंट दिए हैं कि नहीं दिए। नर्सिंग इज ऑल्सो देयर, बैचलर्स इन नर्सिंग, 3 ईयर प्रोग्राम होता है जिससे आप हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर सकते हो। एंड नर्स में भी देर आर वेरियस लेवल्स, तो जैसे आप हॉस्पिटल में एंटर करते हो आपका प्रमोशन होता रहता है एंड यू बिकम द सीनियर लेवल पर्सन इन 5 to 10 years इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। तो बेसिकली रास्ते बहुत हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको गिव एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। बीएएमएस के लिए क्या करना होगा, वंदना पूछिए बेटा। बीएएमएस या फिर बीएचएमएस होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक में जाने के लिए आपको नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि 500 स्कोर करना पड़ेगा, बट रफली ट्राई टू मेक श्योर कि 720 के पेपर में 400 प्लस तो हम अचीव कर लें, 380 400 प्लस अचीव कर लें। उतना अचीव हो जाता है तो बीएएमएस का कॉलेज इजिली मिल जाता है। यस yes, तो वो चीजें हैं। नीट ने अभी काफी सारे एग्जाम्स, काफी सारे कॉलेजेस को अपने अंदर कवर कर लिया है, इसीलिए नीट से काफी रास्ते खुलते हैं। बट मेरा कहना ये है कि खाली नीट नहीं देना है। लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन टू टेल यू कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स अभी रिलेटिवली आउट हो रखे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। तो बच्चों एक एंट्रेंस एग्जाम अभी रिसेंटली आउट हो रखा है, दैट इज CUET। यस तो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है। और यहाँ पर क्या करना होता है बच्चों, जितने भी बैचलर्स प्रोग्राम है, जैसे बैचलर्स इन केमिस्ट्री, बैचलर्स इन फिजिक्स, बैचलर्स इन बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपको किसी भी अच्छे बैचलर्स प्रोग्राम में रिक्रूट होना है तो आपको CUET का या CUCET का फॉर्म भरना होगा। यस ये फॉर्म आउट हो चुका है, ये 6 अप्रैल को ही आउट हो गया था, इसकी लास्ट डेट 6 मई। तो अभी कैसा है कि आप लोग अगले हफ्ते के बोर्ड एग्जाम के लिए चले जाओगे। हाँ कोई बच्चे ने कुछ, हाँ कोई कुछ पूछना चाहता है सर, CUET का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए? जरूरी नहीं है। मान लो अगर आपके पास मैथमेटिक्स था और आप आगे मैथमेटिक्स कंटिन्यू करना चाहते हो बैचलर्स में, तो आप CUCET के थ्रू बैचलर्स इन मैथमेटिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तब आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स चेक करेगा। सिमिलरली आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में ऑनर्स करना है, मतलब आपको लैंग्वेज में आगे करियर बनाना है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका जो टेस्ट पेपर होगा वो रिलेटिवली उस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। यस तो बेसिकली जितने बैचलर्स प्रोग्राम हैं 12th के बाद, वो सारे के सारे अब CUCET के थ्रू बच्चों का एडमिशन कराएंगे। अब 12th की परसेंटेज के बेसिस पर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। एंड दैट इज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 12th का बोर्ड एग्जाम देना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपको 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ज्यादा इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरना भी है। yes? तो इसीलिए हम आपको इसकी अवेयरनेस क्रिएट करा रहे हैं। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी अटैच किया हुआ है, अगर आप इस लिंक को खोलते हो तो आपको गवर्नमेंट की वो वेबसाइट मिल जाएगी। अब इस वेबसाइट पे ना बच्चों इन्होंने अपना ब्रोशर भी डाला हुआ है, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पढ़ने के लिए, सिलेबस क्या रहेगा, है ना, तो उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। मान लो आपको बैचलर्स इन एंथ्रोपोलॉजी करनी है तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, आपको बायोलॉजी में बैचलर्स करनी है तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, देखो उन्होंने यहाँ पे सिलेबस डाला हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लास 12th का सिलेबस वो प्रेफर कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ
कि आप जोन सा भी एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई करना चाहते हो, आप उसके लिए फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दो। तो जैसा मैंने आपको बताया, CUCET is for all the bachelor's program. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर, CUET का एक बार PDF सेंड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। दिव्या मैम, आप शेयर कर दोगे ना इन बच्चों के साथ आफ्टर द मीटिंग? यस सर, यस राहुल सर, मैं कर दूंगी आज। इसके अलावा बच्चों, IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब इसको गवर्नमेंट से भी फंड आता है और इसको प्राइवेट सेटअप से सेक्टर से भी फंड आता है। तो ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में काफी फेमस है और इनका प्लेसमेंट रेशियो भी काफी अच्छा है। तो फार्मेसी में अगर किसी को बैचलर्स करनी है तो इसके लिए आप IPU में भी अप्लाई कर सकते हो। इसका फॉर्म भी आउट हो चुका है, फॉर्म तो काफी पहले आउट हो चुका था, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। सो यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है उसका पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ पर अटैच्ड है। आई विल आस्क मैम, मैम इसका ब्रोशर जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो जिन जिन एग्जाम्स के लिए नोटिस आउट हो रखा है, आप उन एग्जाम्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने एंट्रेंस एग्जाम्स है सबके लिए अप्लाई करना है, लेकिन जिनमें आप इंटरेस्टेड हो एटलीस्ट उनके लिए तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे CUET बैचलर्स सब्जेक्ट्स में करवाता है, वैसे IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी करवाती है, लेकिन कुछ फार्मेसी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में भी वो बैचलर्स करवाते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक। BCA नर्सिंग का? नहीं, BCA नर्सिंग का नहीं है बेटा। BCA का मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा। BCA इज नॉट फॉर नर्सिंग बेसिकली, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो। जो बैचलर्स इन नर्सिंग है ना बेटा, वो अलग से स्पेसिफिकली लिखा रहता है, बैचलर्स इन नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग मेंशन रहता है उसमें। BCA is, I think, somewhere related to the commerce field. इसीलिए उसको थोड़ा सा अभी रेड किया हुआ है। I'll just check and let you know. Okay? Divya ma'am will communicate with you guys regarding the same. इसी तरीके से आपने BHU के बारे में भी सुना होगा बच्चों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी अगर आप कोई भी बैचलर्स प्रोग्राम लेना चाहते हो तो वहां पर भी आपको CUET ही देना पड़ेगा। तो देना तो CUET पड़ेगा, लेकिन अगर आपका CUET में सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आपके आपका एक स्कोर आएगा, उस स्कोर के आधार पर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। अब BHU भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज आर वन ऑफ द इंडियाज टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मतलब ऐसे सारे कोर्सेज जो आप 12th के बाद अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एरोनॉटिकल साइंसेस बेसिकली फॉर दोज जो जिनके पास मैथमेटिक्स हो और जिनका फिजिक्स बहुत फिजिक्स में हद से ज्यादा इंटरेस्ट हो। यस yes. तो इसीलिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर रखा है अभी। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेडिकल तो ठीक है, लेकिन मैं मेडिसिन से बाहर भी जाना चाहता हूँ, हो सकता है कि किसी बच्चे ने 10th से 11th में आते आते साइंस ले ली, लेकिन 12th करते करते अब उसको लग रहा है कि शायद साइंस के बाहर वाली फील्ड में भी अप्लाई कर पाता तो अच्छा होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी दो एंट्रेंस एग्जाम्स आउट हुए हैं। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो आगे जाकर, तो आपको ये दो एंट्रेंस एग्जाम में से कोई भी एक देना पड़ेगा। आप चाहो तो दोनों भी दे सकते हो। दीज आर AILET एंड CLAT। तो AILET और CLAT बेसिकली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं। इनका एक मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब जो जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस टाइप टेस्ट पेपर्स होते हैं वो टेस्ट पेपर्स ये कंडक्ट कराते हैं। लेकिन अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तभी आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव इट सिंपली, मतलब इसको छोड़ भी सकते हो। सिमिलरली मास कम्युनिकेशन क्या रहता है? मास कम्युनिकेशन अगेन कॉमर्स फील्ड पे से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप उस फील्ड में जंप करना चाहते हो, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन रिलेवेंट फील्ड्स में जंप करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो।
आफ्टर 12th आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। तो जिन बच्चों के पास पीसीबी थी वो बच्चे भी एलिजिबल होते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए। यस, और ये बात बच्चों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ये दूसरी फील्ड मतलब सर, बट इसकी डेट तो निकल गई आई थिंक, 2nd April लिखा हुआ है बट उन्होंने डेट एक्सटेंड की है बेटा, ठीक है। वेबसाइट पे ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन डेट्स अभी भी स्टार्ट ही कर रखी है, एप्लीकेशंस ओपन ही रखी है, है ना, उन्होंने डेट्स एक्सटेंड किए। आई विल अपडेट द डेट्स। सर, हाँ जी बेटा कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, इनके लिंक्स मैम आपके साथ शेयर कर देंगे। यस, उसकी टेंशन मत लेना, लिंक्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे आफ्टर दिस मीटिंग, वी विल शेयर द लिंक्स विद यू, ठीक है सर। तो भाई सर, जो हम CUET का फॉर्म भरेंगे तो उसमें हमारी मेडिकल फील्ड की मतलब स्टडी होगी या मतलब हम उसमें ऑनर्स वगैरह लेंगे या प्रोग्राम्स? हाँ हाँ हाँ, तो बेटा बेसिकली CUET बैचलर्स ऑनर्स वाले प्रोग्राम्स में कराता है, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ अब रास्ते यहाँ पर कैसे होते हैं, मैं एक सिंपल चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो मेरे काफी फ्रेंड्स अभी IITs में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार वो IITs में काम कर रहे हैं तो वो जरूर इंजीनियर्स होंगे, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं मैं वो आपको बताता हूँ। तो बेसिकली 12th के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो मतलब मेरे बैच से थे, उन्होंने 12th के बाद PCB लेकर PCB में से बैचलर्स इन बायोलॉजी किया, ठीक है। आज की डेट में आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये बैचलर्स प्रोग्राम है, बायोलॉजी ऑनर्स किया उसने, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको बॉटनी लेनी चाहिए जूलॉजी लेनी चाहिए, तो उसने पूरा बायोलॉजी लिया, उसमें ऑनर्स किया। बैचलर्स इन बायोलॉजी करने के बाद उसने MSc किया अगेन, अब की बार उसने फील्ड चुन लिया कि नहीं उसको बॉटनी में ही करना है। यस, और MSc करने करते करते उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई टू स्टडी इन USA, यस, फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर क्यों होता है और उसको ट्रीट करने के कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उनपे रिसर्च करने के लिए उसका सिलेक्शन मास्टर्स के बाद हो गया, एंड अभी भी वो USA में ही है। 2 साल और काम करेगा तो वो वहां पे सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। रियलिटी क्या है कि उसने जब बैचलर्स किया तो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, मास्टर्स किया तो उसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया, मेरे ही कॉलेज से किया। तो जब आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, किसी बड़े गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स और बैचलर्स करके निकलते हो तो मास्टर्स करते करते ही आपको धक्का दे दिया जाता है टू स्टडी अब्रॉड इफ यू वांट टू स्टडी इन इंडिया इन गुड कॉलेजेस इफ यू वांट टू। तो अभी वो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहा है, करंटली भी काम कर रहा है। यस, फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर। तो बच्चों डॉक्टर क्या होता है, जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर उसको दवाई लिखता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो दवाई कैसे बनती है? तो वो दवाई बनाने की जिम्मेदारी होती है किसकी? केमिस्ट की। केमिस्ट कौन होगा? वो नहीं जो आपके बाजू वाले इलाके में बैठ के दवाइयां बेचता है, दैट इज नॉट केमिस्ट, यस दैट इज फार्मासिस्ट। वो फार्मेसिस्ट, वो एक मेडिसिन को रिकमेंड करता है। यस, जो भी मेडिसिन आपके पास आती है उस मेडिसिन को, उस ड्रग को कस्टमर को सेल करता है, उसके लिए उसके पास फार्मासिस्ट होने का लाइसेंस होना चाहिए। केमिस्ट वो होता है जो दवाइयां बनाता है, यस, और ये केमिस्ट एक साइंटिस्ट होता है, बेसिकली एक रिसर्च साइंटिस्ट होता है जो दवाइयां बनाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं हो रही। हाँ, क्या नहीं होती, क्या क्या हो गया बेटा? शो हो रही है, वो आपका नेटवर्क इशू होगा। अच्छा, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, मुझे भी नहीं हो रही वैसे। एक्चुअली स्क्रीन वॉज शेयर्ड, लेकिन मेरे ख्याल से वो गूगल वाली स्क्रीन दिख रही होगी आपको, है ना।
यस सॉरी बच्चों, हाँ तो मैं आपको ना यही मैं यही लिख रहा था बेसिकली कि ट्वेल्थ के बाद मेरे फ्रेंड ने बैचलर्स किया बायोलॉजी में, फिर मास्टर्स किया, और मास्टर्स करने के बाद वो यूएसए में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा है। बच्चों डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा रिसर्च साइंटिस्ट नाम का भी एक बहुत रेप्यूटेड फील्ड होता है, लेकिन इस फील्ड में एंटर करने के लिए आपकी उस सब्जेक्ट पर महारत हासिल होनी चाहिए। सब्जेक्ट पे महारत हासिल करना मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों कर लेना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली अगर बायोलॉजी में कोई मास्टर्स करता है, ये बॉटनी में या जूलॉजी में कोई मास्टर्स करता है, तो वो उसका आगे का करियर कैसा होता है। तो डॉक्टर जब बोलते हैं ना कैंसर हो गया दवाई दे देता हूँ, तो वो दवाई क्यों बनानी है उसकी रिकमेंडेशन एक बायोलॉजिस्ट देता है, और दवाई कैसे बनानी है उसकी रिकमेंडेशन एक केमिस्ट देता है। ये दोनों साइंटिस्ट लेवल की पोजीशंस होती हैं और ये दोनों साथ में काम करते हैं। तो एक बायोलॉजिस्ट बताता है कि भैया शरीर में ये वाला केमिकल रिएक्शन रोकने के लिए मुझे ये वाला केमिकल कंपाउंड चाहिए, और केमिस्ट वो वाला केमिकल कंपाउंड डिजाइन करके देता है। आपने ट्वेल्थ क्लास में एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस सिखाते हैं ना कि ये वाला एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, प्रोपेनॉल बनाने के लिए क्या कौन से रिएजेंट लगेंगे, आपने ये सब पढ़ा होगा है ना। तो आपको अभी बेसिक लेवल पे सिखाया जा रहा है, लेकिन जब आप आगे जाके एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो आप लोगों को बस एक केमिकल कंपाउंड का नाम दिया जाएगा और आपको उस केमिकल कंपाउंड को लैब में डिजाइन करना होगा। अगर आपको ये सारे आइडियाज एक्साइटिंग लगते हैं तो बैचलर्स इन केमिस्ट्री इज अ फील्ड फॉर यू, जहां पे आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी बीमारी का सोल्यूशन ढूंढना है, किसी नई आने वाली बीमारी का इलाज ढूंढना है, तो फिर उसमें आपको बैचलर्स और मास्टर्स करनी पड़ती है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अभी कोविड का जितना भी वायरस किल करने के लिए या वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन्स बन रहे हैं, वो कोई नीट से पास आउट होने वाला डॉक्टर नहीं बना रहा है। अ डॉक्टर कैनॉट प्रिपेयर वैक्सीन्स, अ डॉक्टर कैनॉट सजेस्ट और डिजाइन वैक्सीन्स। वो सिर्फ उन्हीं वैक्सीन को सजेस्ट कर पाता है जो मार्केट में आ गई, लेकिन मार्केट तक वो पहुंचे ये काम कौन करता है बेटा, ये काम डॉक्टर नहीं करता। तो बेसिकली अ डॉक्टर इज नथिंग विदाउट अ साइंटिस्ट, एंड अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है आप उस सब्जेक्ट में बैचलर्स कर सकते हो। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बीएससी मतलब बच्चा निकम्मा है, उसका कोई कोर्स नहीं है, उसका कोई स्कोप नहीं, मतलब ये एक आइडियोलॉजी है। एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, और अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपको कोई स्कोप नहीं है। बट लेट मी टेल यू, रियलिटी में सिचुएशन इसके ठीक ऑपोजिट है। अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज से बैचलर्स करते हो और फिर मास्टर्स करते हो तो आप एक अच्छे रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। लेकिन अगेन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से मैं कहता हूँ एमबीबीएस भी कर रहे हो तो आपको आगे जाके कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। सिमिलरली अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बैचलर्स भी करते हो तो आगे जाके कोई स्कोप नहीं। That is why I always ensure कि आप किसी अच्छे entrance exam के through किसी अच्छे college में जाओ। अब कौन सा career choose करना है वो तो हम decide कर सकते हैं बैठ के बाद में, लेकिन entrance exam हमें पहले भर लेना है, क्योंकि अगर हमने entrance exam ही नहीं भरा तो हम choice ही नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरा एक दोस्त था जिसने chemistry करने के बाद मेरे साथ chemistry masters करी, bachelors करी chemistry में 3 साल, मास्टर्स करी केमिस्ट्री में ही 2 साल, उसके बाद 1 साल का उसने ड्रॉप लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, मतलब मास्टर्स करने के बाद भी। एंड आफ्टर दैट उसने बैंक में जॉब के लिए अप्लाई किया, एंड राइट नाउ ही इज करेंटली द मैनेजर ऑफ SBI, तो SBI बैंक साउथ एक्सटेंशन का मैनेजर है एंड सीनियर पोजिशन पे है। लेकिन उसने किया क्या था, उसने केमिस्ट्री किया था। अब केमिस्ट्री किया है आपने बैचलर्स मास्टर्स और आप बन गए हो बैंक मैनेजर जहां पे मैथमेटिक्स और अकाउंट्स लगता है, तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका करियर आपको आगे फ्यूचर में कहां ले जाएगा ये आप गारंटी के साथ नहीं लिख सकते, लेकिन डिसाइड करने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम्स काफी मदद करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम जिनमें आपको इंटरेस्ट लगता है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनके फॉर्म्स फिल कर दो। नेक्स्ट वीक से बच्चों बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर हम भी आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ इस हफ्ते तो कोई एग्जाम चल नहीं रहा है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है,
आप अगर एक घंटा डेढ़ घंटा भी निकालोगे और इनके बारे में पहले अच्छे से पढ़ लोगे और नेक्स्ट दिन एक घंटा निकाल के फॉर्म भर दोगे तो बस हो गया। फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद 20-25 दिन बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो देने चले जाना सेंटर पे, एंड एक बार रिजल्ट आता है तो फिर मैं मेरी तरह आपके पास भी चार ऑप्शंस होंगे, है ना, जिसमें साक्षी मान लो चार तरीके के एंट्रेंस एग्जाम देकर आई है। अब वो मुझे बोल सकती है कि सर मैंने एंट्रेंस एग्जाम 1 दिया, मैंने एंट्रेंस एग्जाम 2 दिया, मैंने 3 दिया और मैंने 4 भी दे दिया सर आपके कहने पर, मेरा 1 नहीं हुआ, मेरा 2 नहीं हुआ, मेरा 3 हो गया और मेरा 4 हो गया। अब 3 और 4 में मैं क्या करूं, मुझे कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज समथिंग हम उसके लिए उसको काउंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बच्ची है एक्स वाई जेड और उस बच्ची ने एक ही एग्जाम दिया और उसका वो भी नहीं हुआ, आई कांट हेल्प, नो वन कैन हेल्प, क्योंकि अब एक ही ऑप्शन बच जाता है विच इज प्राइवेट कॉलेज, एंड जो मैं नहीं चाहता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ रहा है मैं हम चाहते हैं? ठीक है, एजेंडा बच्चों आप लोगों को समझ गया है। एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से आउट हो रखे हैं मैं वो आपको बताना चाह रहा था। लॉ अगर आप करना चाहते हो पेरेंट से बात करो, खुद से समझने की कोशिश करो। मास कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म ओपन हो रखा है, उन्होंने डेट्स एक्सटेंड करी है, मैं डेट्स रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये डिप्लोमा कोर्सेज है बच्चों सीपेट के। डिप्लोमा कोर्सेज क्या होते हैं? एक होता है बीटेक, एक होता है एमबीबीएस कोर्सेज, एक होते हैं आपके बैचलर्स कोर्सेज, और फिर आते हैं ये डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज 2 या 3 साल के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। इनका एजेंडा बस यही होता है कि आप 2 या 3 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स करके डायरेक्ट किसी जॉब पे लग जाओ। तो अगर आपको हायर स्टडीज करने में इंटरेस्ट नहीं है और आपको लगता है कि नहीं आपको बस डायरेक्टली एक कोर्स स्पेशलाइज कोर्स कंप्लीट करना है और फिर डायरेक्टली आपको एक प्रोफेशन में उतर जाना है, देन डिप्लोमा कोर्सेज फॉर यू। इसका फॉर्म भी आउट हो चुका है, इसके ब्रोशर निकल चुके हैं। आपको डिटेल में ना पहले ब्रोशर देखना पड़ेगा। देखो ब्रोशर का लिंक है, वैसे आई लास्ट मैम टू शेयर द ब्रोशर विद यू ऑल, ठीक है। तो ब्रोशर में ना सारी डिटेल्स है, जैसे अब ये लोग किन किन में डिप्लोमा करा रहे हैं, जैसे प्लास्टिक्स में करा रहे हैं, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, तो जितना भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है वो कैसे होता है। अच्छा सॉरी सुनिए हो रहा, रुको अब शो हो रहा है। यस सर। तो ये है बच्चों सीपेट का ब्रोशर, ठीक है। तो सीपेट एडमिशंस ऑन हो चुके हैं, तो जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इस छोटे से ब्रोशर में है। कौन कौन से कोर्सेज ये डिप्लोमा में ऑफर करा रहा है वो यहाँ पे इसने लिखे हुए हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स में ज्यादा डिटेल चाहिए होगी आप मैम को बता देना, इधर मैम विल हेल्प और आई विल प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इनके एग्जाम सेंटर्स, इनके कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये वाला फॉर्म भरना है तो आप लोग भरना शुरू कर देना, एंड वी विल हेल्प यू इन फिलिंग द फॉर्म। इसके अलावा मर्चेंट नेवी इज ऑल्सो देयर। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर लेवल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। मेरे को एक बार वुमेन अवेलेबिलिटी के लिए एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, इफ एनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, अगर आपको मर्चेंट नेवी में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऑफिसर्स लेवल के लिए सिलेक्शन होता है फॉर बैचलर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो यस बच्चों दीज आर देयर। सर इसमें बायोलॉजी आती है? बायोलॉजी इन्वॉल्व रहती, आपका एक कोर सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहता है, जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसमें से कोर सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने मेंशन किया है कि नहीं मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ऐसा नीट लेवल का एडवांस क्वेश्चन आपको नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो बच्चों एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि आप बच्चे जितने भी बच्चे हो कम से कम एक CUET का फॉर्म तो सभी भरें, क्योंकि ये सारे बैचलर्स प्रोग्राम को एक ही एंट्रेंस एग्जाम कवर कर रहा है। जैसे एक ही नीट का एग्जाम सारे प्रोफेशनल कोर्सेज को कवर करता है, वैसे एक ही CUET का एग्जाम सारे बैचलर्स प्रोग्राम्स को कवर कर रहा है, तो ये फॉर्म तो सबको भरना। फॉर्म की फीस में कुछ चेक करना पड़ेगा बेटा, एक बार देख लेता हूँ।
आई थिंक ब्रोशर पे मेंशन होगा, होना तो चाहिए। हाँ, इसका ब्रोशर है, एक बार ब्रोशर देख लेंगे एंड देन वी लेट यू नो इसका फीस कितना। अगर मुझे अभी दिख जाता है तो मैं अभी बता दूंगा। एग्जामिनेशंस की ठीक है, बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, मैं एक बार देख के आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। उन्होंने सब कुछ अनाउंस भी कर दिया, मतलब 6 अप्रैल से 6 मई तक है। राहुल ये ना इसमें तो 400 दे रखा है फॉर एससी एसटी कैटेगरी ना। अच्छा लिखा हुआ है क्या? हाँ शायद यहाँ, अब गूगल पे अभी मैंने सर्च करा। हाँ ठीक है बच्चों, यहीं पर है ठीक है। तो देखो वैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है एससी एसटी के लिए 550 है बेसिकली, 550 रुपीज ठीक है। तो यस दिस इज द थिंग, तो आप इसके लिए थोड़ा एक बार देख लेना ठीक है। वैसे इनकी 6 मई लास्ट डेट है, लेकिन आपको अगले हफ्ते से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझको ज्यादा टेंशन हो रही है कि बोर्ड एग्जाम के बीच में कैसे भरोगे, फिर आपको ज्यादा दिक्कत है। अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, आप अभी भरो। सर टीचर लाइन में भी है कोई गवर्नमेंट जॉब, मतलब एंट्रेंस? टीचिंग लाइन में भी गवर्नमेंट जॉब होती है बेटा, डेफिनेटली डेफिनेटली। अब टीचिंग लाइन में कैसा होता है, जैसे मान लो दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती है। एक होती है कि आपको स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल टीचर के तौर पे पढ़ाना है, या फिर कॉलेज टीचर के तौर पे पढ़ाना है। कॉलेज टीचर को हम लेक्चरर बोलते हैं, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? यस राहुल, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम? हाँ बेटा, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद। तो मान लो अगर आपने आपने बोल दिया कि आपने केमिस्ट्री में बैचलर्स कर ली है, बीएससी कर ली है, और फिर आपने मास्टर्स भी कर ली है बैचलर्स में, 2 साल का प्रोग्राम। अब आप कहते हो कि मैंने पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया है, मतलब मास्टर्स के बाद केमिस्ट्री में कुछ नहीं बचता, आपने सारी केमिस्ट्री पढ़ ली, ऐसे में आप कॉलेज में किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हो ठीक है। तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम तब देना पड़ता है, और इसको बोलते हैं मैं खुद भी भूल गया हूँ, दिव्या मैम याद आ रहा है क्या, क्या बोलते हैं इसको, टीचर सिलेक्शन एक एग्जाम होता है बच्चों, नाम भूल गया ठीक है। तो वो एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उस टाइम देना होता है बेटा, अभी नहीं देना होता। अगर आप उस टाइम एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली आप फिर कॉलेज टीचर बन जाओगे, आपके नाम के आगे प्रोफेसर लग जाता है, या फिर आप लेक्चरर भी खुद को बोल सकते हो। एंड एक एवरेज पैकेज कॉलेज टीचर का रफली 1 लाख होता है, मंथली बोल रहा हूँ, तो एक महीने का सैलरी उनका 1 लाख के आसपास होता ही होता है। ये मैं बेस बता रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम बस आपको क्वालिफाई करना होता है ठीक है। जैसे नीट में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, वैसे मतलब नीट में रैंक लाने के लिए आपको 480 नंबर चाहिए होंगे, लेकिन नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 480 नहीं चाहिए, कुछ 250 प्लस मार्क्स भी लाए तो क्वालिफाई हो जाते हैं। सिमिलरली आपको उस टाइम पर ये वाला एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, क्रैक नहीं करना, मतलब बहुत अच्छे नंबर नहीं लाने, बस आपको क्वालिफाई कर लेना है, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ कॉलेज टीचर। स्कूल टीचर्स के लिए कुछ नहीं होता, बैचलर्स प्रोग्राम, बीएससी, बीएससी के बाद आप बीएड कर लेते हो, और बीएड करने के बाद आप स्कूल टीचर बन सकते हो, यस, फिर पीजीटी टीजीटी स्कूल टीचर बनते बनते आप कर सकते हो। तो बेसिकली तब आप स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक स्कूल टीचर का मंथली सैलरी रफली 25,000 to 35,000 के बीच में जाता है, एंड गवर्नमेंट स्कूल टीचर का 40,000 to 50,000 तक चला जाता है। तो बेसिकली स्कूल टीचर कॉलेज टीचर आप बनना चाहते हो, अल्टरनेटिव्स वहां भी है, लेकिन अगेन आपको बैचलर्स तो करनी ही होगी ना, मतलब 12th के बाद आपको एटलीस्ट कोई ना कोई बैचलर्स प्रोग्राम करना होगा, चाहे आप एमबीबीएस टाइप बैचलर्स प्रोग्राम करो, चाहे आप बैचलर्स इन बायोलॉजी जूलॉजी समथिंग लाइक दैट। क्लियर है सबको? सर साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है? बेटा उसके लिए भी एक सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट स्ट्रीम रहती है,
तो बैचलर्स इन साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट स्ट्रीम होती है, ठीक है, अगेन बैचलर्स इज इन्वॉल्व. सर इसमें गवर्नमेंट जॉब भी होती है? हाँ बेटा, बिकॉज बेसिकली एंड कई हॉस्पिटल्स में भी साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में टीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंड साइकोलॉजी एक एक प्रोफेशन भी है आज की डेट में, तो आप अपना भी फॉर्म ओपन कर सकते हो फॉर द सेम. अपॉर्चुनिटीज आर देयर, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इन कोर्सेज में अवेयरनेस कम होने की वजह से बहुत ज्यादा होता है ना, एप्लीकेंट्स पहुंचते नहीं. अल्टरनेटिव्स आर देयर. तो बच्चों एटलीस्ट सीयूईटी का फॉर्म सब भरेंगे, मैम को सपोर्ट करो, ठीक है. अगर आपको कोई फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है मैम को बताओ कि मैम मुझे फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है. सीयूईटी तो सब भरो कम से कम, आईपीयू सीईटी भी सब भरो, बाकी जो एग्जाम्स है उनमें आपके पास चॉइस है. आपको डिप्लोमा करना है तो आप सीपेट का भरो वरना छोड़ दो, आपको मास कम्युनिकेशन करना है तो आप जीएमसीईटी भरो नहीं तो छोड़ दो, लॉयर बनना है तो ये वाले फॉर्म भरो नहीं तो छोड़ दो, बट एटलीस्ट आईपीयू सीईटी एंड सीयूसीईटी या फिर सीयूईटी तो सबको देना है, ठीक है. ये दो फॉर्म तो आई गेस आपको फिल करने चाहिए. इनका ब्रोशर और इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिव्या मैम विल शेयर, ठीक है. किसी को कोई डाउट बच्चों? काफी देर से क्लास स्टार्ट हो गई ना? हाँ हाँ, इनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है. यस राहुल, कोई कुछ कह रहा था क्या? Maybe हाँ हाँ, वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि मास्टर्स करने के लिए. मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है. हाँ हाँ, मास्टर्स so करने के लिए बीएससी पहले करना पड़ता है. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सच है. मास्टर्स करने से पहले बैचलर्स करना पड़ता है, ठीक है. सर बीएससी के कौन से सब्जेक्ट, ठीक है, ये पूछा गया है. बीएससी के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप वो लो. जैसे ट्वेल्थ में मुझे पता था कि मैथ्स मेरे बस की नहीं है और फिजिक्स मुझे समझ आती नहीं, तो घूम फिर के मेरे पास बच गए थे अप्लाई करने के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, तीनों अप्लाई कर दिए थे मैंने. और मेरे पास बच गया था, कौन सा ऑप्शन बच गया था, इंग्लिश बच गया. इंग्लिश मैंने टाइम पास के लिए भरा था, बट एनी हाउ मेरा डिसाइडेड था कि मेरे को आर्ट्स में नहीं जाना है. तो आप इस तरीके से अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज करना. ऐसा नहीं कि अगर मान लो बबीता के पास पीसीएमबी था तो उसने मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर दिया, अगर उसका मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर वो 3 साल मैथ्स क्यों पढ़ेगी, है ना. तो समथिंग लाइक दैट शुड बी देयर. आपका जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, जिस कोर्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप उसके लिए बैचलर्स फील्ड चुनना. मेरा मानना है अगर किसी का बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी तीनों के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है. बबीता बोल रही है उसको साइकोलॉजी करना है, बट 11th 12th में साइकोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है. कोई बात नहीं, अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हो तब भी आप साइकोलॉजी में बैचलर्स कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत कम स्कूल हैं जो साइकोलॉजी का ऑप्शन देते हैं. मेरे स्कूल ने तो मुझे साइकोलॉजी का ऑप्शन दिया ही नहीं. यस, इवन देन मेरे बैच से कई लोग साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर पाए थे, ठीक है. इवन कई बार बैचलर्स के बाद भी साइकोलॉजी में एंटर करते हैं बच्चे, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा. साइकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ जो होती है 11th 12th में मेंटेन्ड हो, ऐसा कुछ नहीं. आप बिना साइकोलॉजी 12th में पढ़े भी साइकोलॉजी में बैचलर्स कर सकते हो. और राहुल सर, एडिंग टू पॉइंट की अगर कंफ्यूजन है ना, तो आप बैचलर्स किसी भी सब्जेक्ट में करने के लिए आप एलिजिबल हो. मतलब डजंट मैटर आपको हिस्ट्री में करना है, आपको किसी भी पॉलिटिकल साइंस में करना, एनीथिंग, मास कम्युनिकेशन में करना है, साइकोलॉजी में, यस लाइफ साइंस एज वेल, बीएससी लाइफ साइंस भी होता है, आप बिल्कुल कर सकते हो. उसके बाद आपको मतलब सैकड़ों करियर ऑप्शंस तो उसके बाद मिलेंगे आपको. अभी बिकॉज उस उतने डिटेल्स में नहीं जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. पहले आप उस पे फोकस करो कि ट्वेल्थ के बाद आपके लिए क्या करियर पाथ है. अब बैचलर्स के बाद क्या है फिर उसके बाद पता करना है ना, पजल्ड हो जाएगा नहीं तो दिमाग कि बैचलर्स के बाद क्या, मास्टर्स के बाद क्या. तो अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. करेक्ट करेक्ट, इवन आई एग्री विद मैम ऑन दिस, क्योंकि कंफ्यूजन कम करने के लिए आपको अभी सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देना है और बोर्ड एग्जाम देना. जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम इस हफ्ते एंट्रेंस एग्जाम फिल कर दो और अगले 1.5 महीने बोर्ड एग्जाम दे दो, आफ्टर दैट आप टोटली फ्री हो, क्योंकि आप स्कूल से आजाद हो गए, आपने पेपर सारे दे दिए.
अब आपके पास कुछ नहीं है करने को, सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद कौन कौन सी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए काउंसलिंग सेशंस में बैठना है। काउंसलिंग सेशंस में देन मैं डिटेल में समझा दूंगा, दिव्या मैम डिटेल में समझा देंगी कि विच कोर्स इज राइट फॉर यू, या आपने जो कोर्स चुना हुआ है आप जिसमें जाना चाहते हो उसमें एडमिशन के क्या रास्ते हैं। लेकिन ये रास्तों की बात हम तभी कर पाएंगे जब हम एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर लेंगे। विदाउट फिलिंग द फॉर्म, लाइफ साइंसेज में क्या करना है, साइकोलॉजी में क्या करना है, केमिस्ट्री बैचलर्स में क्या करना है, फार्मेसी कैसे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा विल हैव नो मीनिंग। ठीक है, प्रोग्राम ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है, दैट विल आई दैट थिंग वी विल आल्सो डिस्कस, बट वंस यू फिल द एंट्रेंस फॉर्म। ओके सो गाइस, दैट इज द मेन एजेंडा फॉर दिस कॉल, कि आप एंट्रेंस एग्जाम फिल करने के लिए थोड़े सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम बच्चों ने नीट के फॉर्म ही फिल किए हैं, काफी कम बच्चों ने। तो मैं तो उसी चीज को लेके शॉक दूं कि अगर एक नीट का एग्जाम इंडिया के सारे कॉलेजेस में MBBS, सारे कॉलेजेस में BHMS, BAMS कवर कर रहा है, कम से कम 1,00,000 सीट के लिए आपको एलिजिबल बना रहा है, तो आप फिर उसका फॉर्म भरने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हैं? Yes? और कैटेगरी एडवांटेज काफी बच्चों के पास है, तो वो एडवांटेज होने के बाद लो कॉन्फिडेंस क्यों रखना है? तो दैट इज समथिंग विच आई वॉन्ट यू टू डू फोकस राइट नाउ। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करो और एंट्रेंस एग्जाम फिल कर दो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। ठीक है सर, हम CUET जो है मतलब उसके अलावा मतलब उसे ना करके हम नीट में कर सकते हैं ना? उसको ना करके हम क्या कर सकते हैं चारू? सर जैसे नर्सिंग के लिए ना CET चाहिए, तो हम CET ना करके नीट अगर कर ले तो उससे भी हो जाएगी नर्सिंग वाली? अच्छा, नर्सिंग के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि नर्सिंग के लिए हम नीट के थ्रू भी अपना काम चला सकते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो जैसे IPU, CET और AFMC जो है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम करा रहा है इस साल नर्सिंग के लिए, तो शायद उनके नर्सिंग के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम निकल रहे हैं। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द नर्सिंग कॉलेजेस आर गेटिंग कवर्ड थ्रू नीट। यस ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चों, हाँ तनिषा भी पूछ रही है गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स तक मिल जाएगा, एटलीस्ट कितने चाहिए? तो ये बेटा डिपेंड करेगा आपको क्या करना है ना? तो कितने स्कोर लगेंगे, मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम के बाद हमारे पास 1.5 महीना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके खत्म होंगे कुछ 6 या 7 जून को और 17 जुलाई को नीट का पेपर है। तब तक हमारे पास सफिशियंट टाइम होगा टू ट्रेन यू गाइस फॉर नीट एग्जाम, टू ट्रेन यू गाइज कि कितने स्कोर में आपको टारगेट करना है एंड कितने स्कोर में कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। हम वो भी उसके लिए भी आपको एडवाइस कर देंगे। फॉर नाउ आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट एंड मैं आपका भी फोकस हिलाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, आप एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल कर दो, बाकी सारी चीजों को लेकर। जैसे CUET में नेगेटिव मार्किंग भी होगी? फॉर्म का पैटर्न मैंने बेटा चेक नहीं किया है, एक बार चेक करके बता देता हूँ। वैसे टेक्निकली होनी नहीं चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला हुआ था ना बेटा। हाँ इधर देख लेता हूँ, पेपर का पैटर्न भी लिखा हुआ था। विल लेट यू नो। तो ये सारी क्वेरीज जो है ना, एक काम करते हैं, आपको जो भी डाउट्स है ना उस डाउट के लिए गूगल फॉर्म फ्लोट करवा देंगे। आपको जोन जोन से डाउट है ना वो आप उसमें गूगल फॉर्म पे लिख देना कि मुझे ये डाउट है एटसेट्रा एटसेट्रा। आप फॉर्म फिल कर देना, मेरे पास सारे डाउट्स इकट्ठे होके आ जाएंगे, देन हम उनके आंसर लिख कर उसका PDF बना के आपके ग्रुप्स पे डाल देंगे। Let us do this thing, ठीक है? क्योंकि डाउट्स काफी ज्यादा हैं, टाइम काफी कम है, तो हम एक काम कर सकते हैं, आपके लिए रिलीज कर देंगे एक गूगल फॉर्म, अपने डाउट्स वहां पे डाल देना, जो भी आपके मन में आ रहा है इस समय डाल देना, एंड वी विल आंसर इट विद इन अ डे और टू। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ऑल राइट बच्चों, इट फॉर टुडे फ्रॉम माय एंड। So I'm handing over to Divya ma'am now. Divya ma'am, anything to add? Nothing much, Rahul. Almost you have covered everything. But ha, like ki, beta do form to jaisa sir ne bataya ki do fill ek neat
और दूसरा सीयूईटी, बिकॉज सीयूईटी आपको एक ऑप्शन देगा आपको न्यूमरस बैचलर कोर्सेज में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए खुद के लिए, तो वो फिल कर देना. और आपके पास ऑप्शन है, यू हैव गूगल विथ यू, यूट्यूब विथ यू. आजकल यूट्यूब पे भी ना आप कुछ भी सर्च करोगे ना, छोटे छोटे वीडियोज बने हैं फॉर एवरी क्वेरी, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. जैसा सर ने बताया, आई विल सर्कुलेट अ गूगल फॉर्म रिगार्डिंग योर क्वेरी, उसमें कोई भी क्वेरी है डू फिल दैट, और उसके बाद हम एक सेशन रख लेंगे. और मैं आप लोगों को ना, आप लोगों को कॉल भी करेंगी शायद सचिन मैम या दीपा मैम कोई, रिगार्डिंग एनी हेल्प और कोई भी, तो हर तरीके से हम हेल्प के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप उनको भी अपना प्रॉब्लम बता सकते हो और स्टेटस बता सकते हो कि आपने अभी कौन सा फॉर्म फिल किया, कौन सा नहीं करा, सो दैट कि आई ऑल्सो नो कि हाँ अभी क्या चल रहा है. तो आज के लिए तो बस इतना ही, और अभी मैं आपको आपके साथ वो PDF शेयर कर दूंगी जिसमें सारे लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह दिए हुए हैं. So yeah, that's all from my end. And yes, thank you, Rahul sir. You have explained everything very well. Okay, ma'am. All right, guys. All the best for your board exam preparation. We'll see you after your board exams then. Okay? Bye, everyone. Bye, thank everyone. Thank you, sir. Okay, bachchon. Bye-bye.